हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विचित्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल को तो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का टाइटल क्या है। तो जी हाँ, यूट्यूब ने मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन 24 आवर्स में अनेबल कर दिया। इतनी जल्दी? जी हाँ, ओनली 24 आवर्स में। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं, कैसे हुआ, कैसे मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब जर्नी एंड ऑल्सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से तो मेरा चैनल मैंने बनाया था, मैंने क्रिएट किया था अक्टूबर 2018 में। तो अक्टूबर 2018 में मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। डेढ़ साल पहले मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। और जब मैंने क्रिएट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब एंड इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता था मोनेटाइजेशन ये वो कुछ नहीं पता था। जस्ट फर्स्ट डे जब मैंने वीडियो बनाया, हेयर पैक का वीडियो था, बस मैं कैमरा लेके बैठ गई। तब मेरे पास व्हाट टू से मुझे आइडिया ही नहीं था कि हाउ कैमरा को मैं कैसे फिक्स करूँगी एंड ऑल, नथिंग। तो बस इस तरीके से मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था यूट्यूब पे। तो वो वीडियो मैंने बनाया और तब से लेके मैं लगी रही। सो वो वीडियो मैंने ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी बनाया था, तो तब से लेके मैं लगी रही थी वीडियोस बनाने में। फिर बनाते बनाते मुझे आइडियाज़ आया बाकी वीडियोस भी देख के कि हाँ ऐसे क्रिएट करते हैं, कि हाँ ये है ट्राईपॉड एंड दिस दैट। बट बीच में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो, तो मैं उतनी रेगुलर नहीं थी। तो एनी हाउ, फिर भी मैं कोशिश करती थी, वीडियोस में बनाती गई। और डेढ़ साल बाद फाइनली मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो हो गया ऑन। तो जब मैंने क्रिएट किया था चैनल, तब तक वो आ गया था, यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया क्रिएट किया था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपका जो वीडियो है वो रिव्यू के लिए जाएगा और रिव्यू के बाद मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन होगा। तो बस उसी को कंप्लीट करने में मैं लगी थी कि कब कंप्लीट होगा। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सब्सक्राइबर्स को 1000 सब्सक्राइबर्स, 100 सब्सक्राइबर्स तो आराम से हो जाते हैं, बट 1000 सब्सक्राइबर्स को बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो एनी हाउ हो गया धीरे धीरे। एंड 4000 घंटे थे, उसे भी पूरा करना था। और क्योंकि मेरा वीडियो डेढ़ साल हो गया था और 4000 घंटे 12 महीने में कंप्लीट करना होता है, तो जैसे कि डेढ़ साल हो गया, तो ये लास्ट जो 12 महीने हैं, मतलब अभी तो जून चल रहा है, सो जून जिस तारीख को मेरा जैसे मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो मेरा फुलफ़िल हुआ, तो मेरा जो क्राइटेरिया था वो फुलफ़िल हुआ था 10 तारीख को। तो उस दिन से लेके उसके पीछे 12 महीने जितना था। और जो पहले वाला जो था, मैंने जो क्रिएट किया था जो भी वीडियोस, वो उसका वॉच टाइम आवर काउंट नहीं होगा। सो बीच में ये हुआ था कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले, कि मेरे वॉच टाइम आवर्स कम होते जा रहे थे। तो एनी हाउ धीरे धीरे फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फुल किया मैंने, वॉच टाइम आवर मेरा कंप्लीट हुआ फाइनली। सो मेरा वॉच टाइम आवर जो है वो कंप्लीट हुआ 10 तारीख को सुबह। जब मैंने देखा तो सुबह 12 बजे के करीब जब मैंने देखा तो कंप्लीट हो चुका था। एक दिन पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, 10 तारीख को मेरा कंप्लीट हुआ, दिन में कंप्लीट हुआ था। 12 बजे के करीब मैंने देखा तो वो मेरा वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो गया था और चैनल जो है मेरा रिव्यू पे चला गया था। 10 तारीख को ही मेरा चैनल जो है वो रिव्यू पे चला गया था। तो क्योंकि मैंने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जब आप एक चैनल क्रिएट करोगे तो आप चाहे तो पहले जो 2 स्टेप्स होते हैं उसे आप पहले ही सेटिंग कर सकते हो, स्टेप्स को फिनिश कर सकते हैं, और जो लास्ट स्टेप जो होता है वो मोनेटाइजेशन अनेबल, वो उसके बाद ही होता है, वो लास्ट स्टेप जो होता है मोनेटाइजेशन अनेबल का, एक पार्टनर प्रोग्राम होता है और एक नेक्स्ट स्टेप, तो 3 स्टेप्स होते हैं। तो वो मैंने पहले ही जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तभी मैंने वो सारे जो स्टेप्स उसे कर लिया था। तो ऑटोमेटिकली जैसे कंप्लीट हुआ मेरा 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर्स, तो मेरा चैनल खुद ब खुद चला गया रिव्यू पे। और जिनका जो लोग नहीं ये स्टेप्स करते हैं, तो
वॉच टाइम आवर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई, तो तब जाके वो कर सकते हैं, उसके बाद चैनल जो है रिव्यू पे चला जाता है। तो एनी हाउ 10 तारीख को 12 बजे जब मैंने देखा तो मेरा चैनल जो है वो रिव्यू के लिए चला गया। वॉच टाइम आवर मेरा कंप्लीट हो गया था और चैनल जो है मेरा रिव्यू के लिए चला गया। तो आई वॉज वरीड कि पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, बट मैंने जो भी मेरा कंटेंट था वो मेरा खुद का कंटेंट था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और 11 तारीख को रात 2 बजे यूट्यूब की जो भी मैसेज ईमेल आता है ना वो रात के 2-3 बजे के करीब ही आता है ज़्यादातर, तो 2-2.5 बजे के करीब मेरा जो 11 तारीख के 2-2.5 बजे मतलब 12 तारीख हो गया था तो मेरा मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा जो है चैनल मेरा जो है क्राइटेरिया रिव्यू हो चुका है और मेरा चैनल रेडी है फॉर द मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मैं ऑन कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं दिखा दूँगी वो चीज़। तो इस तरीके से एक दिन में मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन हो गया, अनेबल हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि शायद कुछ महीने पहले जैसे 2018 में तब तो ये ऐसा था कि चैनल अगर रिव्यू के लिए गया है तो 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग जाते थे रिव्यू करने में और चैनल जो है मोनेटाइजेशन अनेबल कराने में। बट अब ऐसा नहीं है, तब शायद यूट्यूब के पास उतने सारे एम्प्लॉयज़ नहीं थे, बहुत धीरे धीरे होता था, तब लोग फेक कंटेंट वगैरह ये सब बहुत सारा बनता था, अब तो ये सब कुछ बंद हो चुका है। तो अब जो है आसानी से जो चैनल है वो एक दिन में ही मोनेटाइजेशन जो है चैनल का वो अनेबल हो जाता है। सो मेरे केस में हुआ, एक दिन में चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और मेरे साथ ही साथ कई सारे मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स थे तो उनका चैनल जो है एक बार मोनेटाइजेशन में गया तो 2-3 महीने तक नहीं हुआ, उसके कई महीने बाद हुआ था। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी वरीड। एक बार जब चैनल मोनेटाइजेशन पे जब जाता है ना तो इस बात का याद रखें, जब रिव्यू पे गया सॉरी, जब चैनल आपने जब अपना जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर लिया है, 4000 घंटे आपने पूरे कर लिए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो जब आप चैनल आप रिव्यू पे दे रहे हैं तब या खुद ब जाता खुद या फिर खुद ब खुद जब चैनल जाता है मोनेटाइजेशन के लिए तो कोई छेड़छाड़ अपने वीडियोस के साथ ना करें, अपने चैनल की सेटिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, वीडियोस को डिलीट और ना कुछ ना करें, बस एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियोस आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे पहले ही डिलीट करें और रिव्यू में जाने के बाद आप कोई भी वीडियोस डिलीट ना करें और मेक श्योर कि जो लास्ट जो आपने वीडियोस जो बनाया है वो आपका ही कंटेंट हो, कोई कॉपीराइट वाला कुछ ना हो, कोई कॉपी किया हुआ कंटेंट ना हो, आपका खुद का कंटेंट हो। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सो फाइनली मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स वेरी व्हाट टू से, बहुत अच्छा लगता है ना कि आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन ऑन हो गया एंड द साइन ऑफ डॉलर व्हेन यू सी, सो इट्स अ वेरी व्हाट टू से, इट्स अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ फीलिंग, ऑफ कोर्स इट्स बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। सो यस, और आपके चैनल पे एड्स आने लगेंगे। सो बस यही है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।